हम लोग अवैध हम लोग इसमें ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। और ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले जैसे आपने देखा भी होगा कि जो ग्रुप वर्ड है जिसे ग्रुप वर्ड ये 1830 में क्वाइन बाई गैलो और प्रोनाउंसिएशन गैलवा होता है इसका 1830। तो 1830 के पहले जो ग्रुप वर्ड है ये मैथमेटिकल वर्ड है नहीं, उसके पहले स्ट्रक्चर जो भी लिखा गया था 1830। बट इसमें जो गैलोस की हिस्ट्री है ये रही कि ये 1831 तक जिंदा भी रहे अराउंड 1831 और ये 21.5 ईयर्स ऐसा कहा जाता है कि इनकी एज यही थी। इसके बाद इनकी डेथ हो, जब हम ये सोचते हैं कि अब हम कैरियर में क्या करेंगे। उस समय तक गैलवा ने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जिसमें हम लोग आगे चलकर के पढ़ेंगे। जो नॉर्मल सब लोग कोशिट का कंसेप्ट सिफ्टिंग का डिकम्पोजिशन इन्होंने करके लिखा हुआ था और सिंपल ग्रुप का भी कंसेप्ट इनका था। तो 21.5 ईयर्स बट 1826 के अराउंड इनके मैक्सिमम पेपर्स आने लगे। इनकी मैथमेटिकल लाइफ बहुत कम थी, जैसे आपकी अलग अलग लाइफ होती है वैसे मैथमेटिकल लाइफ भी आपकी। क्या आपने इंटेंस होकर मैथमेटिक्स कितने साल पढ़ा उस पर डिपेंड करता है। और इसमें 1830 में ये ग्रुप वर्ड आया और इसके बाद इसके डिफिनेशन दी जाने लगी थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आया इस तरीके की चीज़ें आई जैसे एक्स प्लस वाई इस फाइव फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू फाइव इट हैज हाउ मेनी सोल्यूशन इट हैज हाउ मेनी सोल्यूशन। तो हमेशा सोल्यूशन इस बात पे डिपेंड करता है जो एक्स वाई हम लिए कहाँ से जाना है। इन जनरल हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव हैज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस इसलिए बोलते किसी बच्चे से आप पूछे भी जब इंटरमीडिएट या बीएससी में है तुरंत बोलेगा इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस, क्योंकि उनके ब्रेन में किड है कि एक्स वाई हमेशा रियल है एक्स वाई रियल। तो अगर ये कहा जाए कि इसके कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब हो गया कि एक्स वाई जेड प्लस से है या एक्स वाई एलिमेंट का आप सेट आप हो नेचुरल नंबर। तो अगर सेट आप नेचुरल नंबर से लिया जाएगा तो इसके फिर फाइनाइट सोल्यूशन है। जैसे नेचुरल नंबर से लेंगे तो आप लिखेंगे ना ये 1 2 3 4 5 डॉट एंड दिस, तो या तो इसको 1 करिए 4 करिए 2 प्लस 3 3 प्लस 2 एंड 4 प्लस 1। आप इसको 0 5 प्लस 0 तो कर नहीं सकते क्योंकि 0 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है नहीं। लेकिन अगर इसको इंटीजर से कर दिया जाए पूरा इंटीजर तो फिर आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और हम लोग आगे चल करके नए स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे जेबीएल फाइनाइट से आगे तो 1830 से लेकर के 1870 में वेबर आए। और उस समय एक इस पर चर्चा हो गई जो शुरू में था, आप इसे पुराने टेक्स्ट बुक लीजिएगा तो उसमें ये मिलेगा कि लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जी बी नॉन एम्प्टी सेट एंड प्लीज स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन सच दैट फर्स्ट एसोसिएटिविटी होल्ड। पुराने हम लोग 1870 के पहले की बात कर रहे हैं कि लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन की बात की जाएगी सच दैट एसोसिएटिविटी होल्ड सेकेंड आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ
इनवर्स, तो बहुत पुराने टेक्स्ट बुक आप देखिएगा तो ये चीजें लेट जी बी नॉन इम्प्लिसिट एंड स्टार ये बाइनरी ऑपरेशन सच दैट एसोसिएटिविटी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मींस इस जी की आइडेंटिटी हो एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इस जी के प्रत्येक एलिमेंट का अपना इनवर्स होना चाहिए। हर एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होगा लेकिन पूरे सेट की आइडेंटिटी एक ही होगी, तो एक आइडेंटिटी होगी। बट 1870 में वेबर ने इस चीज को थोड़ा चैलेंज कर दिया और चैलेंज ये हो गया कि जो बाइनरी ऑपरेशन है अब उसमें ये था कि बाई मीन्स यहाँ पे जो लिखा गया बाइनरी बाई मीन्स टू डी मीन्स एलिमेंट, तो जो इनिशियल था कि जो दो एलिमेंट इधर डिस्टिंक लिए जा रहे सेम नहीं ले जा रहे 1870 के पहले या और पहले, तो ये दो एलिमेंट अलग अलग लिए जा रहे थे तो बाइनरी ऑपरेशन। एक बार CHS में इंटरव्यू चल रहा था टीचरों का, सर PHC गए तो उन्होंने पूछ दिया था क्वेश्चन की व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोजर प्रॉपर्टी एंड बाइनरी ऑपरेशन, दिखता तो एक जैसा बट ये एक है नहीं। तो 1870 में वेबर ने इस बात को रेज किया कि बाइनरी ऑपरेशन मस्ट बी रिप्लेस, जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको रिप्लेस किया जाए या उसको भी रीडिफाइन कर, तो रीडिफाइन करने की बात जब आई एक्चुअली ये चीजें किस तरीके की उसमें होने लगी, जैसे अगर हम लोग कोई स्टेट ले जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, आप देखते हैं एक ही एलिमेंट हो, क्योंकि 1870 तक काफी डेवलपमेंट हो चुका था, तो अगर एक ही एलिमेंट हो तो अगर एक एलिमेंट है और बाइनरी की बात हो रही है मीन्स टू एलिमेंट, तो टू एलिमेंट हुआ तो फिर हम जीरो प्लस जीरो कैसे करते हैं, एक ही एलिमेंट को दो बार कैसे ऐड कर दिया। बट ये चीजें उतनी सुनी नहीं जा रही थी, बट एक यंग मैथमेटिशियन अपने जीवन का 20 साल ले 20 साल क्यों ये प्रूफ करने में कि क्लोजर प्रॉपर्टी को लाना होगा। क्लोजर का मतलब नहीं जैसे आप बोलते हैं कि आप मेरे बड़े क्लोज हैं, तो आप मेरे क्लोज हैं, वो मेरे क्लोज हैं, सब मेरे क्लोज हैं, बट ग्रुप थ्योरी आपको इतनी अच्छी चीज सिखाएगी। इसमें ग्रुप में कहते हैं कि आप खुद के भी क्लोज होइए, अगर आप खुद के क्लोज नहीं रहेंगे तो भी ग्रुप फेल कर जाए। तो 1870 में क्लोजर प्रॉपर्टी को ये हुआ कि अच्छा ठीक है इसे लिया जाएगा, और इसके बाद 1870 से 1905 में मिलर ये वेबर आए इस समय, और 1905 में मिलर इसके अंदर भी चीजें हुई। 1889 में आप जो कोशेंट ग्रुप पढ़ते हैं ना, कोशेंट ग्रुप का कंसेप्ट लिखा गया जॉर्डन होल्डर शायद, तो ऐसा नहीं था कि कुछ चल नहीं रहा था, सारी चीजें चल ही रही थी, बट ये था कि नहीं इसको रिप्लेस करना चाहिए। तो अब आप जो डिफिनेशन पढ़ते हैं 2023 में वो 1905 की लिखी हुई है, और इसमें यही है कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन सच दैट, है ना, सच दैट। अब सच दैट के बाद ये हो गया फर्स्ट जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार, आराम से देखिए कहते हैं कि जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। एक को बड़ा पुराना तुमने बोलेंगे गाना था कि बदे एक डोरी से, तो कह रहे कि जो जी है ना किससे क्लोज है, किससे बंधा हुआ है स्टार से, और जी इज क्लोज अंडर स्टार इसे हम लोग लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार। अब दूसरा बात ये एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए, ये एक एडिशनल चीजें ऐड हुई, ये 1870 से चला 1890 तक, 1890 में हो गया था ठीक है इसको लाया जाएगा, बट लिखा गया 1905। अब एसोसिएटिविटी, इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और यूनिवर्स, तो आपने देखा कि जब चार चीजें एक साथ हुई
all these four are necessary. All these four are necessary. But none of these four are sufficient to say that the farm group with respect to star. तो स्टार की रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करने की नेसेसरी है, ऐसा नहीं कि कोई एक हो जाएगा तो ग्रुप फॉर्म कर देगा, लेकिन अगर कोई एक फेल हो जाएगा तो ग्रुप फेल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा देखिएगा बाइनरी ऑपरेशन। तो जो बाइनरी ऑपरेशन लिखा गया ठीक है ना, इसमें था कि टू डिस्टिंक्ट, अभी इसमें भी काफी डिस्टिंक्ट चलता है कि डिस्टिंक्ट लेना है जरूरी है क्या है ना। तो टू डिस्टिंक्ट की बात की गई कि एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, बट इसमें एनी टू डिस्टिंक्ट की बात करते हैं, जिससे आप लिखते हैं कि पार ए बी बिलोंगिंग टू जी इज सच दैट, बड़ी फ्रिक्वेंट लिखते हैं ए स्टार बी बिलोंगिंग टू जी, इसकी मीनिंग तो यही है ना कि जो जी के अंदर जितने एलिमेंट हैं, जैसे हम लोग बात करें देखिए ये जी है लेट इट सी जी, और इसके अंदर एलिमेंट है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, मान लेते हैं आठ एलिमेंट इसके, तो एनी टू डिस्टिंक्ट। अब किसी दो को लिया, जैसे इसको ले लिया इन दोनों को लिया, इसको ले लिया, इसके साथ आ गए मीन्स किसी भी दो को आप यूज कर सकते, करेंगे किसी दो को जब इसमें से उठाया जाए तो ए स्टार बी जो ऑपरेशन है उसको लगाने के बाद क्या हो कि ए स्टार बी इस जी का ही मेंबर हो। आप बड़ा अच्छा सुनते हैं मैथमेटिक्स में, नहीं जनरल लाइफ में बोलते देखिए घर की बातें घर में रहनी चाहिए, लोग कहते हैं ना अरे ऐसा क्यों तमाशा कर रहे हैं, घर की बातें घर में रहने दीजिए, सड़क पर नहीं लाना चाहिए। ये मैथमेटिक्स सिखाती है कि जो ग्रुप है, ग्रुप तभी नहीं कहेंगे जब कोई दो लिए जाए जिसका ऑपरेशन यूज करे तो किसका मेंबर होना चाहिए, जी का। तो बाइनरी ऑपरेशन में ये था, बट क्लोजर में था कि अब जैसे आप देखिएगा जीवन पे ऐसे जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है, कभी तो आप बहुत छोटे हैं अब ऐसा कुछ नहीं आ रहा होगा, अभी तो आप जगते भी होंगे मोबाइल के थ्रू, सोते भी होंगे मोबाइल के थ्रू, ऐसी आदत हो गई हम लोगों की है ना। पर अभी क्या होगा जैसे मैसेज आ गया कोई अच्छा सा, आपकी मॉर्निंग गुड हो जाती है, कोई ऐसा इरिटेटिंग मैसेज आ गया आपकी मॉर्निंग बैड हो जाती है, तो अब हम क्या हो गए फंक्शन हो गया दूसरे वेरिएबल, दूसरा है इंडिपेंडेंट, हम डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो क्लोजर में है कि जैसे सुबह से शाम तक कुछ भी करिए करते रहिए, बट एक बार आप बैठिए और खुद से बात करिए, जैसे खालीपन की बात की जाती है ना कि एक बार आप खाली होकर के पूरे दिन में एक बार जरूर किया करिए अगर आप मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं। मैथमेटिक्स से सिखाती है, हम नहीं बोल रहे हैं 70 की बात है कि आप खुद से भी तो मुलाकात करिए, और खुद से मुलाकात करने के लिए खुद का खालीपन होना जरूरी है एक बार। तो आप जब खुद से क्लोजर की बात हुई तो इसमें एलिमेंट तो लिए जाएंगे, इसकी बात हुई कि फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंगिंग टू जी ए स्टार बी इज सच दैट ए स्टार बी बिलोंग टू जी। अब अंतर ये था कि हियर ए एंड बी आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, ए एंड बी आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट हो जरूरी नहीं, मींस सेम भी हो सकते हैं खुद से खुद की बात है ना, जैसा हम लोग देखेंगे आगे चल करके। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में था कि ए हर एवरी एडी की बात भी कर रहे हैं, बट ये है कि इनका डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं, वो सेम भी हो सकते। ये तो क्लोजर रहा, जैसे आप देखिए छोटे से एग्जाम्पल को लेके हम लोग चलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया जाए, एक बार आईआईटी धनबाद के इंटरव्यू में पूछ दिया गया, एक बच्ची गई थी वहाँ पे अप्लाई में चलती हैं चीज़ें ज़्यादा, और तो उसने कहा कि प्योर में करना सर पूछे क्या पड़ा ग्रुप, पूछते कि नेचुरल नंबर ग्रुप फॉर्म करता है,
तो नेचुरल नंबर ग्रुप बात करेगा तब जब क्लोजर हो, एसोसिएटिविटी हो, आइडेंटिटी हो, यूनिवर्स हो। तो नेचुरल नंबर अगर आप ले रहे हैं जी को और इस स्टार को सिंपली एडिशन ले रहे हैं, तो किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो नेचुरल ही आएगा, और किसी एक ही नेचुरल नंबर को दो बार ऐड कर देंगे तो भी नेचुरल ही आएगा। ऐसा तो है नहीं, कुछ उल्टा पुल्टा होगा। सिंस फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ एन एक्स प्लस वाई, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई एलिमेंट ऑफ दिस। अब एसोसिएटिविटी की बात हम लोग करेंगे तो ये क्लोज होता है एडिशन के रिस्पेक्ट। अगर हम लोग इस जी को अब अगर गेट ले लिए तो भी क्लोज होगा, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, और किसी एक ही इंटीजर को आपको बार ऐड करेंगे तो भी इंटीजर भी आएगा, बदल तो जाएगा। सिमिलरली सेट ऑफ रैशनल, सम ऑफ टू रैशनल इज रैशनल एंड सम ऑफ टू रियल इज रियल, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स। आप देखेंगे कि इन जनरल जो एडिशन है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। अब था एसोसिएटिविटी की बात की, तो एसोसिएटिविटी में ये रहा कि जैसे आपने तीन एलिमेंट उठाया तो फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, ए बी सी बिलोंगिंग टू जी। एसोसिएटिविटी देखने से पहले आप ये जरूर देख लिया करेगा क्लोजर होल्ड कर रहा है, जरूर ऐसा रिंग के केस में हम लोग देखेंगे कि क्लोजर होल्ड कर रहा है कि ये देखना जरूरी है। इधर है कि फॉर एवरी ए बी सी एलिमेंट ऑफ जी ए स्टार बी ए स्टार सी इज ए स्टार बी स्टार सी, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इस जी में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। मैथमेटिक्स सिखाती, जैसे आप देखते हैं ना कि आप चार पांच लोगों का ग्रुप था, बड़े क्लोज करने के लिए बड़े क्लोज फ्रेंड थे, बट ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद अलग अलग, तो अलग अलग होने का तो एक ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर गई, क्योंकि आपने उसी ग्रुप में से किसी से अपने दिल की बात कही, उसने किसी बाहरी से कर दिया। उस ग्रुप में करता तो आपको दिक्कत नहीं होती, बट उसने क्या किया, किसी बाहरी से कर दिया। अब आप एसोसिएटिविटी को समझिए, जैसे मान लीजिए आप बीटी चले गए, ये तीन लोग हैं ए बी सी, अगर ए और बी चाय लेकर के थोड़ी दूर खड़े हो गए सी से, अब कुछ जैसे गुदगुदा की बात करें आपको सुनाई ना दे, थोड़ी देर तक आप सुन सकते हैं, फिर अगर आप बहुत ही बड़े दिल के हैं तो सुनते रहे। आप कह रहे हैं कि अदरवाइज सी को ऐसा हो जाएगा कि ऐसी क्या बात है कि तुम दो आपस में कर रहे हो, और फिर या ए और इस बी और सी एक साथ हो जाए तो फिर ए को आपत्ति हो जाती है ना। और ग्रुप टू वैसे ग्रुप में कैसे क्या था, ग्रुप में चार लोग हैं तो फिर क्या क्या दो दो ने आपस में बातें शुरू कर दी। तो एसोसिएटिविटी में मैथमेटिक्स में कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे जो बातें होनी चाहिए आप अब देखिए, जैसे जो हमारे घरों में विघटन हो रहे हैं उसका एक कारण ये है कि एसोसिएटिविटी ब्रेक हो रही है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ब्रेक हो रही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ग्रुप अब अवेलियन नहीं रहे, परिवार अब अवेलियन नहीं, कम्यूट नहीं कर रहे। तो इसमें भी हुआ कि जैसे एक तरह के आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं कि आप हैं या आपकी माँ है, तब तक आपकी आंटी आ गई, अब आप चुप हो जाते। फिर क्या हुआ, ये आपकी माँ और आंटी बात कर रही है, आप आए वो लोग चुप हो गए, तो आपको भी लगता नहीं ऐसा क्या चल रहा है कि चुप, फिर वो लोग होते हैं हमको देख करके चुप हो गए, कुछ तो चल रहा है। तो एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इससे है, ए स्टार बी स्टार सी फॉर एवरी ए बी सी होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी की। आप चूंकि सभी लोग अभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ही पढ़ के आए हैं तो क्लियर है कि जैसे कोई भी कॉलेज होगा ना तो उसकी एक आइडेंटिटी तो होगी ना, जो आई कार्ड बनता है वही आइडेंटिटी है।
और उसी आइडेंटिटी से जिससे आप आइडेंटिटी कार्ड करते हैं, अगर आप लिए हैं तो देख करके लोग जान जाते कि बीएचयू का स्टूडेंट है, ये यूपी कॉलेज का है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, डीयू का है, आईआईटी का है। तो आइडेंटिटी का मतलब यही हुआ कि पर्सनल किसी की नहीं, जैसे एक ग्रुप की बात हम लोग कर रहे हैं ना, जो ग्रुप की आइडेंटिटी है वही क्या होती है सबकी आइडेंटिटी हो जाती है। अब उसे पर्सनल आइडेंटिटी तो अलग जाएगी कि ग्रुप रहता नहीं, तो ग्रुप की आइडेंटिटी हमेशा एक ही होगी। जैसे आप देखिए इसको ऐसे जैसे पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां, जैसे बीजेपी है तो बीजेपी का सिंबल है कमल का फूल, तो कमल का फूल अगर आप किसी गाड़ी पे लगा हुआ देखते हैं झंडा वैसा या किसी के शर्ट पे कहीं, तो आपको लगता है बीजेपी वाला है या बीजेपी वाली है ना। इसका मतलब जो आइडेंटिटी तो मैच की ना कि आइडेंटिटी हो जाती, ऐसे अगर सपा का है कोई तो उसमें शायद बीएसपी के हैं तो भारती, और किसी पार्टी के तो उनका सिंबल, ये जो सिंबल है ना आइडेंटिटी होता है। और आप कॉलेज में ऐसा देखे होंगे कि जैसे अक्सर आपका क्लास दो तीन ग्रुप में डिवाइडेड होता है, हम लोग उसकी बात करेंगे जब आपको सेंट्रलाइजर आप एलिमेंट पढ़ेंगे। हर क्लास में शायद कोई क्लास आपके जीवन की ऐसी गई हो जिसमें हर बच्चा हर किसी से बात करता हो, नहीं तो ग्रुप रहेगा 10 का 5 का 2 का 4 का, उसे ही सेंट्रलाइजर करते हैं, सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट। सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट आप आगे पढ़ेंगे वो कम्यूट अलग अलग कर लेता है छोटे छोटे टुकड़ों में, बट ये है ना कि किसी कॉलेज में ये कुछ अच्छे बच्चों का ग्रुप, कुछ कम अच्छे बच्चों का ग्रुप, बुरा कोई नहीं होता, नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तो ये अच्छे लोगों का ग्रुप आप देखते होते ना, अरे ये लोग अच्छे हैं या ये लोग कम अच्छे हैं, तो आइडेंटिटी में दिख जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि आइडेंटिटी उस ग्रुप का ही एलिमेंट है, मीन्स ऐसा होना चाहिए कि लेट बी बिलोंग्स टू जी इज सच दैट हैज, देखिएगा। और इस बी को ना आप सिंगल, ये आपके समझने के लिए लिखा जा रहा है कि सिंगल है ना, लेट बी बिलोंग्स टू जी इज सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी, मीन्स जी के प्रत्येक ए के लिए। तो जब आप प्रत्येक ए की बात करेंगे तो बी जिसका एलिमेंट है तो एक केस ऐसे आएगी जब ये बी के बराबर हो जाएगा, बी अगर जी का एलिमेंट है और जी के प्रत्येक एलिमेंट की बात करेंगे तो एक स्थिति तो ऐसी आएगी ना जब बी जी के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 ये लोग हैं और 6 लोग हैं और इस 6 लोग में कहा जाए कि प्रत्येक के लिए और हम इसे बी ले लें और फॉर एवरी ए की बात करें तो ये भी आएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सभी आएंगे ना। तो इसलिए कर रहे हैं कि लेट बी बिलोंग्स टू जी इट इज सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी ए स्टार बी इज ग्रेटर, ऐसा हो कि ए स्टार बी किसके बराबर हो, ए के ही बराबर हो। जैसे है ना आप अपना आई कार्ड लेकर के बड़े फ्रिक्वेंट एंट्री करते हैं, लेकिन आप अगर किसी दूसरे का आई कार्ड ले लें तो उतना फ्रिक्वेंट एंट्री नहीं करते ना, मिलाया जाता था। अब यहाँ पे हम लोग दो बातें करेंगे, पहला कि अगर स्टार हमारा सिंपल एडिशन हो, सिंपल की बात इसलिए कर दी गई क्योंकि आगे चल कर हम लोग मॉडुलर की बात करेंगे, एडिशन मॉडुलो एन है ना। तो अगर सिंपल एडिशन है ए स्टार बी तो आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्टार एडिशन, एंड दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए माइनस ए आएगा, बट टिल आर्गमेंट, आर्गमेंट से पहले, हालांकि आप लोग कहते हैं कि पता नहीं कहाँ विदेश में खोज होंगे, बट आर्गमेंट से पहले जीरो का कंसेप्ट तो नहीं था। तो ये बी इज इक्वल टू ए माइनस ए, देखिए मैथमेटिक्स कैसे चल रही थी, किसी छोटे बच्चे को कुछ दे दीजिए चॉकलेट वगैरह और खा जाए कुछ, कितना बचा बोलेगा कुछ, तो उस कुछ नहीं को क्या नाम दिया जाए, ये नाम आर्यभट्ट ने दिया और इसको लिखा गया जीरो, ए माइनस ए जीरो। तो ये कब एडिशन की केस, और इसीलिए आप कहते हैं कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज एडिटिव
आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी आपने लेते हैं जब हम जनरल एडिशन की बात करते हैं। अब जो है दूसरा ऑपरेशन जो मोस्ट वांटेड हम लोग लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का। तो अगर इस स्टार को मल्टीप्लीकेशन ले लिया जाए तो ए इंटू बी इज ए एंड बी इज इक्वल टू ए बाई ए, ये नया था। और ए बाई ए इज व्हाट, ए बाई ए इज वन प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है तब वन होता है ना, अदरवाइज क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो बाई जीरो का पार। इसलिए शर्त रखी गई कि बी इज इक्वल टू ए बाई ए इज वन प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे हम लोग इन जनरल ऐसा लिख देते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो x by x 1 तब होगा जब x का मान नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज नहीं होगा ना, अदरवाइज नहीं होगा, तब इसका ध्यान रखना। तो अब क्या है 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, ये दो चीजें आप ध्यान कर सकते हैं। अब जो है हम लोग बात करेंगे इनवर्स। तो अगर कोई एडिशन के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर दिया जा रहा है ना, तो अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर दिया गया और आपको उसमें जीरो नहीं दिख रहा है, तो आप सीधे बोलेगा प्रूफ नहीं पास करेगा, है ना। जैसे हम लोग अगर इस सेट की बात कर लें अभी कि एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर टू, इस पूरे आर टू के ऐसे एक्स वाई लिए जा रहे हैं जिनको जोड़ दे तो वन आ जाए, स्ट्रेट लाइन है ना। अब जोड़ दें तो वन आ जाए, तो क्या ऐसा कोई एक्स वाई है जो जीरो जीरो होके सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि ये लाइन कहाँ से पास कर गई इधर से, तो ओरिजिन से तो पास ही नहीं की, तो जीरो जीरो तो मिलेगा नहीं, तो जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आइडेंटिटी फेल करेगी। हम लोग ऐसे एग्जाम्पल जब करेंगे तो आप देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स। इनवर्स किसे इनवर्स, इनवर्स का कंसेप्ट ये गैलोज का भी रहा कि एवरी लीनियर रियल इक्वेशन, लीनियर रियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनवर्टेड। अब 1831 की पहले की बात, एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब रियल की बात हो रही थी, अगर x प्लस y इज इक्वल टू k है और x y एलिमेंट ऑफ R, तो उस केस में ये इक्वेशन इनवर्टिबल होता है, और यही से कॉन्सेप्ट लिया गया इनवर्स का, इनवर्स का कॉन्सेप्ट था। तो इनवर्स के कॉन्सेप्ट में ये लिया गया कि इफ, ध्यान से देखिए, इफ फॉर बी बिलोंगिंग टू जी, यहाँ पे एवरी की बात नहीं कर रहे, इफ फॉर मतलब यूनिक की बात कर रहे हैं, इफ फॉर B belonging to G, there exists A belonging to G, मतलब ये कह रहा है कि इस सेट में ऐसी बात हो रही है कि if you give me B, I will give you A, and this two are distinct. If you give me B, I will give you A. मीन्स अगर आप हमें 5 रुपया देंगे तो हम आपको एक नेनुआ देंगे, भिंडी देंगे, इस तरीके की बात चल रही है। If part B belongs to G, there is A such that, कैसा हो, such that A star B is A, या हम लोग ऐसे लिखे, if part B there exists A such that A star B is identity, not A, this is identity. तो कह रहे कि इनवर्स तब कहा जाएगा जब इन दोनों का ऑपरेशन किया जाए, जैसा भी ऑपरेशन दिया जाए तो आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। एक बड़ा पुराना गाना था, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, आपको 90s की बात के हैं, उसमें था कि तू मेरी पहचान बनेगी मैं तेरी पहचान। अभी भी ऐसा होता कि जैसे अगर लड़का अपने ससुराल जाए, मीन्स पत्नी के मायके, तो वहां पे लड़के की पहचान नहीं होती, वो किससे जाना जाता, उस लड़की की वजह से कि फला के पति आए। बट ये जब अपने लड़की अपने ससुराल में होती है तो कुछ दिनों तक
इसलिए जाना जाता है कि ये इनकी पत्नी है। तो यहाँ पे ये इनकी पहचान हुई, मीन्स इनके घर इनकी पहचान ये है, बट इनके घर इनकी पहचान कौन है, ये ए स्टार बी। और आप देखेंगे अपने यहाँ भी ऐसा है, अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है, आइडेंटिटी। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी की एक मूर्ति, एक ही में लोग रहते हैं, ऐसा भी है, ए स्टार बी आइडेंटिटी। अब इस बात की इम्पोर्टेंस है कि जो स्टार है वो है क्या। अगर स्टार एडिशन है ना, सिंपल एडिशन, तो अभी हम लोग क्या बात किए कि अगर एडिशन है तो आर एन टी क्या होगी, जीरो। तो उस केस में ए प्लस बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड देन बी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए, या ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो इफ फॉर बी देर एग्जिस्ट ए मीन्स माइनस बी, तो फॉर बी देर इज माइनस बी, तो इस सेट में कोई सेट अगर जी लिया जाए, अगर उसमें आप बी देख रहे हैं, जीरो को छोड़ दो, अगर बी है तो देख रहे हैं क्या माइनस बी भी उसके अंदर है। अगर बी के लिए माइनस बी है तो एडिटिव इनवर्स मिलेगा। जैसे किसी सेट में अगर टू है तो देखिए क्या माइनस टू भी है, अगर पाई है तो देखिए क्या माइनस पाई भी है पाई के लिए, अगर बी है तो देखिए क्या माइनस ए भी है, बुरा मतलब अगर एक्स है तो क्या माइनस एक्स भी है उसमें, अगर है तो एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो माइनस बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस बी, लेकिन अगर इसका सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो उस केस में आइडेंटिटी क्या होगी, दिस ए इंटू बी इज वन, क्योंकि वन की बात की गई, तो आप ए क्या हो जाएगा वन बाई बी। तो वन बाई बी, लेकिन शर्त इसमें यही है कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वन बाई बी तो डिफाइन ही नहीं होगा, वन बाई बी। तो वेन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वन बाई बी इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ बी, एंड देन बी व्हाट एवर विल बी, जीरो और नॉन जीरो, बट माइनस बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो ये तो रहा इनवर्स की बात सिंपल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। अब जो है हम लोग एक और चर्चा करेंगे कि अगर ये चार चीजें हो गई ठीक है इस सेट में, तो देन जी इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार, इस स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप कहा जाए। अब ये ग्रुप कैसा है, अब इसके एडजेक्टिव की बात है कि अगर ऐसा हो गया कि इफ फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जी, और एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जी, जी के प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए कोई एक्स आई ले रहे आप, इज सच दैट या एक्स स्टार वाई इज वाई स्टार एक्स, ये ऐसा है कि एक्स स्टार वाई किसके बराबर है, वाई स्टार एक्स के बराबर है। इन फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू दी एक्स स्टार वाई इज सेम एज वाई स्टार एक्स, देन जी इज अबेलियन। और जो अबेलियन प्रॉपर्टी है ना, ये कॉम्पिटिटिव है, ये अबेलियन नाम रखा गया ड्यू टू नील्स एवेल। नील्स एवेल अराउंड 35 इयर्स उनकी डेथ हो गई, तो नील्स एवेल की वजह से अबेलियन प्रॉपर्टी पहली बार उन्होंने इसको देखा था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये एक्चुअली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि x y से कम्यूट करे और y क्या करे, x से कम्यूट करे। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि दो लोग हैं अगर, तो उसमें होता है कि एक दूसरे वाले से बात कर रहा है, जैसे मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ, लगातार इनसे कुछ बोल रहा हूँ, बट ये मेरा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या क्यों रिप्लाई करके छोड़ दे रहे हैं, कम्यूट नहीं कर रहा। कम्यूट का मतलब क्या हुआ, हम आपसे बात करते हैं तो आप भी हमसे बात करते, तब तो कम्यूट होगा ना। तो आप देखिएगा परिवारों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लैक हो रही है, एक दूसरे से बात कर रहा। जैसे आपके अगर परिवार में 5 लोग हैं 10 लोग हैं, आप देखिएगा आपको महीनों महीना हो जाता है, आप मतलब पर्टिकुलर की बात हम नहीं कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं कि महीनों महीना हो जाता है सबसे बात की, हर रोज आप उन 10 सदस्यों से बात नहीं कर, आप लगता है किसी एक से तो हाल कर ले लिया, लेकिन दिन भर में ऐसा हो सकता है कि आप 10 विभिन्न लोगों से बात कर रहे हैं।
लेकिन आपको मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप नंबर स्कोर करें और एग्जाम क्वालिफाई करें, एक अच्छी सी नौकरी पा जाए, जीवन चलाएं। और जो ग्रुप थ्योरी है ना, इसीलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा को लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। और इसको तो हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा गया कि दिल की बात ये है, लेकिन उसमें रियल को कितना गया कि रियल इज ब्रेन ऑफ मैथमेटिक्स। वहाँ पर ये होता है कि नहीं ये सही है कि गलत है, वो रियल बताता है। तो हम लोग इसमें देखें कि किसी भी स्ट्रक्चर को ग्रुप कब पालन करेगा, कोई भी स्ट्रक्चर ग्रुप तब पालन करेगा जब उसमें वो चार चीज़ें होल्ड कर जाए, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिविटी, तीसरा आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड चौथा एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर इसके बाद एक एडिशनल प्रॉपर्टी और हो जाए उसकी, जिसे एडजेक्टिव कहेंगे, कि वो कम्यूट करने लगे, फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जी एक्स स्टार वाई इज वाई स्टार एक्स, देन वी से दैट दिस ग्रुप जी इज अबेलियन। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, लेट ध्यान से देखिए, लेट जी इज सेट ऑफ इंटीजर, आराम से देखिए, जैसे सेट ऑफ इंटीजर को आप लिखेंगे ना, दिस हम लोग डॉट डॉट लिख लेते हैं इस पर, ऐसे डॉट 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 माइनस 10 माइनस 9 माइनस 8 डॉट 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 0 एंड दिस डॉट 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 8 9 10 डॉट डॉट। तो अगर एडिशन स्टार को सिंपली एडिशन कर दिया जाए तो हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, जीरो है। और इनवर्स के लिए था कि अगर एक्स हो तो माइनस एक्स भी चाहिए, तो एट के लिए माइनस एट है, माइनस नाइन का नाइन है, टेन का माइनस टेन है, टू का माइनस टू है, थ्री का माइनस थ्री है। तो एडिटिव इनवर्स भी है, आइडेंटिटी भी है, एडिटिव इनवर्स। अब किसी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। और इसमें से किसी भी तीन एलिमेंट को अगर आप उठाते हैं, एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ जेड या ए बी सी, ए बी सी एलिमेंट ऑफ दिस जेड, तो ए प्लस बी प्लस सी इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी। किसी भी तीन इंटीजर को ऐड किया जाए तो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करने लगता है। तो आइडेंटिटी है, इनवर्स है, एसोसिएटिव है, क्लोजर है, ग्रुप हाथ कर गया। अब चूंकि ऐसा आप देख सकते हैं कि 2 प्लस 3 इज 3 प्लस 2 इंटीजर के केस में, 2 प्लस 3 इज सेम एज 3 प्लस 2, 4 प्लस 5 इज 5 प्लस 4 एंड डॉट डॉट डॉट, मींस फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ दिस जेड सेट ऑफ इंटीजर एक्स प्लस वाई इज वाई प्लस एक्स इसके बराबर होगा। तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर को विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आप बड़ा फ्रिक्वेंट बोल देते कि दिस इज इस अबेलियन ग्रुप, दिस इज अबेलियन, क्योंकि वो चार प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई किया, रिक्वायरमेंट जो उसकी थी, ऑल दिस फोर आर नेसेसरी ओनली, नन इज सफिशियंट, उसमें से सफिशियंट कुछ भी नहीं है लेकिन नेसेसरी तो सब के सब। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेट ऑफ रैशनल। तो पहला तो है देखिए, क्लोजर की बात हो रही है, क्लोजर। अब बाइनरी ऑपरेशन तो ऐसे हो जाएगा, किसी भी दो रैशनल को आप ऐड करेंगे तो रैशनल ही आएगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा हम लोगों ने। क्लोजर मींस फॉर एवरी पी बाई क्यू एंड आर बाई एस एलिमेंट ऑफ दिस क्यू, पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस बिलोंग टू दिस थिंग आएगा, तो क्लोजर होल्ड कर गया। और इसमें आप किसी एक को भी लेकर के रिपीट कर सकते हैं क्लोजर सेटिस्फाई करते समय। अभी तो हम लोग चूंकि जेड वेड में चल रहे हैं, नेट क्यू आर सी में, लेकिन जैसे आप जेड एल वगैरह में जाइएगा या आगे बढ़िएगा तो क्लोजर लेते समय ना किसी एक एलिमेंट को रिपीट करके फेल भी कराने की कोशिश करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में फेल कराना होता है। मैथमेटिक्स में कभी भी एग्जाम्पल के थ्रू आप सही मत कराइए, फेल कराइए उसको, लेकिन लाइफ में हमेशा पास कराए, ये तो पुनखा आ जाएगी आपके मन में। अब दूसरा है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। तो किसी भी तीन रैशनल को उठाया है ना, अगर हम ले लें लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू दिस क्यू, तो एक्स प्लस वाई एंड प्लस जेड इज सेम एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेटिस्फाई करेगा।
तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर गई रैशनल के केस में। अब रैशनल में देखिए सिंस जीरो बिलोंग्स टू क्यू है ना, जीरो बिलोंग्स टू क्यू, दिस इंप्लाइज व्हाट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट एंड फॉर एवरी पी बाई क्यू बिलोंगिंग टू दिस कैपिटल क्यू देयर एग्जिस्ट माइनस पी बाई क्यू बिलोंगिंग टू क्यू। एक बार इसको देखिएगा कि प्रत्येक पी बाई क्यू के लिए माइनस पी बाई क्यू भी इसके अंदर है, तो इनवर्स मिलेगा, इनवर्स है, आइडेंटिटी है, एसोसिएटिविटी है, क्लोजर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये भी क्या वर्कप्रूफ हो जाएगा। अब चूंकि सम ऑफ टू रैशनल, जो रैशनल का एडिशन कम्यूट करेगा, ठीक है ना, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा सेट ऑफ को रैशनल में, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव इन सेट ऑफ रैशनल। तो इसका मतलब दिस इज आल्सो अबेलियन, अबेलियन रूल, क्योंकि फॉर एवरी पी बाई क्यू एंड आर बाई एस एलिमेंट ऑफ दिस क्यू, पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस इज सेम एज आर बाई एस प्लस पी बाई क्यू, इसको होल्ड करेगा। तो क्यू, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर के सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ रियल। अब सेट ऑफ रियल में अगर क्लोजर की बात की जाए तो किसी भी दो रियल को ऐड करेंगे रियल आएगा, सिंपल क्लोजर, किसी एक ही रियल को दो बार ऐड कर देंगे तो भी रियल ही रहेगा, ऐसा कोई नहीं, कुछ सीधे जंप मार के आई के टर्म में आ जाएगा, मीन्स कॉम्प्लेक्स टाइप से, तो रियल ही रहेगा, तो क्लोजर होल्ड कर गया। और एसोसिएटिविटी किसी भी तीन आप रियल को उठाइए, ए बी सी है ना, फॉर एवरी ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर, ए प्लस बी एंड दिस प्लस सी इज ए प्लस बी प्लस सी, ये भी होल्ड कर, तो क्लोजर है, एसोसिएटिविटी है। अब चूंकि सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर जीरो तो जाएंगे, सिंस जीरो बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज व्हाट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब इसमें आप आइए कि आइडेंटिटी की बात तो हो गई, अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स। तो इनवर्स में अगर कोई एक्स रियल है तो माइनस एक्स भी रियल होगा, सिंपल सा है कि अगर एक्स रियल है, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर देन माइनस एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर, सच दैट एक्स प्लस माइनस एक्स इज व्हाट, तो इनवर्स भी मिल रहा है, आइडेंटिटी भी है, एसोसिएटिविटी है, क्लोजर है, तो ग्रुप तो हो गया। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सिंस ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए फॉर एवरी ए बी एलिमेंट ऑफ जी, प्रत्येक किसी भी दो रियल नंबर को आप ऐड करेंगे कम्यूट कर जाएगा, इसका मतलब दिस इज अबेलियन ग्रुप एसोसिएटिविटी फॉलो कर जाएगी, सिंस जीरो बिलोंग्स टू, जीरो बिलोंग्स टू सी आइडेंटिटी, और जेड बिलोंग टू सी, फॉर जेड बिलोंग टू सी देयर एग्जिस्ट माइनस जेड बिलोंग टू सी, तो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स मिला। तो एडिटिव इनवर्स है, आइडेंटिटी है, एसोसिएटिविटी है, क्लोजर है, ग्रुप तो हो गया नहीं, आप चूंकि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स को आप ऐड करेंगे तो कम्यूट तो करेगा ही करेगा, फॉर एवरी जेड वन जेड टू एलिमेंट ऑफ दिस सी दिस बोर्ड, इसका मतलब सी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, ये भी अबेलियन, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी नहीं, अगली क्लास में ग्रुप जब खत्म होगा, ग्रुप मीन्स ग्रुप की डिफिनेशन, तो पढ़ेंगे कि दिस इज साइक्लिक, इज साइक्लिक, साइक्लिक का प्रोनाउंसिएशन साइक्लिक होता है, साइक्लिक, बट हम लोग इन जनरल साइक्लिक साइक्लिक बोलते हैं, दिस इज नॉट साइक्लिक एंड दिस इज नॉट साइक्लिक एंड इज नॉट साइक्लिक। तो ये तीन तो
अबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है तीनों, क्यू आर सी, लेकिन जेड क्या है, साइक्लिक है। अब क्यों साइक्लिक नहीं है, वो ये कहना था कि वाई दिस पोलैरिटी, तो हम लोग तब बात करेंगे जब साइक्लिक की डिफिनेशन पढ़ लेंगे, है ना। कि साइक्लिक नहीं, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाए रखिएगा, अब थोड़ी सी आप जगह छोड़ सकते हैं उस समय के लिए कि आप कोई पुलिस को नोट करें। तो जेड क्यू आर सी आर दिस फोर आर अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बट नन इज, सॉरी, जेड इज साइक्लिक एंड अदर आर नॉट साइक्लिक, बट साइक्लिक की बात आप तब करेंगे जब हम लोग साइक्लिक को पढ़ें। अब हम लोग आते हैं सेट आउट नॉन जीरो, इसी जेड स्टार को सेट आउट नॉन जीरो इंटीजर कहा जाता है। हम लोग अगर ये एक्स स्टार लिख रहे हैं तो मतलब नॉन जीरो की बात है, तो अगर जेड स्टार लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन अलग अलग, ये ग्रुप टू फॉर्म करेगा नहीं, क्योंकि अगर नॉन जीरो ले लिया तो फिर जीरो नहीं रहेगा तो आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, और अगर नॉन जीरो लिया तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जेड का जैसे टू है तो वन बाई टू नहीं मिलेगा उसको, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो ये तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा कि जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कैन नॉट फॉर्म ग्रुप, क्यू विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कैन नॉट फॉर्म ग्रुप, आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कैन नॉट फॉर्म ग्रुप, सी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कैन नॉट फॉर्म ग्रुप, क्लियर है ना, क्योंकि जीरो उसमें है। लेकिन अब अगर हम विस्तार की बात कर दें कि जेड स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो भी फेल करेगा, इनवर्स में होगा, इसे इनवर्स फेल, क्लियरली फेल होगा। एंड क्यू स्टार नॉन जीरो रैशनल, तो जब नॉन जीरो रैशनल की बात करेगा तो मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। एंड नॉन जीरो रियल ग्रुप फॉर्म करेगा, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स ग्रुप फॉर्म करेगा। आप इसको थोड़ा सा एज अ होमवर्क देखिएगा, है ना, और अगर नहीं आगे लगता तो आप जरूर पूछिएगा कि क्यों नहीं करेगा या करेगा। इसके बाद हम लोग दो तीन और एग्जाम्पल लिखते हैं, आप उसको करने की कोशिश करिए आराम से। तो जब भी आप ग्रुप पढ़िए, ग्रुप वर्ड जैसे आएगा आपके मन में चार चीजें आनी चाहिए कि उसमें बाइनरी ऑपरेशन की बात की गई, क्लोजर की बात की गई, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। बाइनरी ऑपरेशन जस्ट दिया गया कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए और इक्विपरित बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, बट 1830 में ग्रुप वर्ड आया, 1870 में वेबर ने इस चीज़ को चैलेंज किया, 1890 में ऐसा हुआ कि ठीक है लिया जाएगा, बट 1905 में लिखा गया जॉन मिलर ने लिखा, और उसी डिफिनेशन को हम लोग 2023 में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग उस सेट की बात करें, क्लियर इज सेट एक्स वन मीन्स एफ, एफ जो अगर आर से आर को लिया जाए सच है डी फोर एफ बाई डी एक्स फोर जीरो, इसमें जो है ना एक चीज दिया जा रहा है कि कंटिन्यूअस है, क्योंकि एफ आर से आर पे आप ध्यान दीजिएगा इसकी कंटिन्यूटी की बात की जा रही है, क्योंकि डी फोर फोर टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर क्या रहा है, जीरो आ रहा है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम कब निकालते हैं, जैसे ये लिखा गया ना, मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स आपको सिखाती है कि मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, डांस देखिएगा, और मेरी बहन की तरह है, दो बात है ना। यहाँ पे इक्वालिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे टेंस टू की बात, और मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे ना तो टेंस टू में बड़ा अंतर आ जाता है, x tends to 0 plus 1 by x tends to what? Infinity. और 0 को तो डिफाइन नहीं होता ऐसे। तो tends to, तो मैथमेटिक्स में ये कह रहा है कि जैसे आप लिख दिया d4 f by dx4, तो d4 f by dx4 जो आप लिख रहे हैं और f from r to r दिया गया, इसको पूरा लिखना चाहिए कि f from r to
बार इज सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। आप इसको ऐसे समझेंगे क्योंकि डी फोर एफ मीन्स डी एफ बाई डी एक्स आप किसका लेकर आएंगे जो डिफरेंशियबल हो। अगर डिफरेंशियबल नहीं इसको तो ये नहीं लिखते आप लिमिट टेन एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ये ना है इसके ऐसे लिखते हैं। तो डी एफ बाई डी एक्स तो ये है, इसका मतलब है कि डिफरेंशियबल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशियबल है तब तो निकाल रहे हैं ना, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तब तो हम आपको सुना रहे हैं ना। अभी हम यहाँ बोले और आप निकल के बाहर चले गए तो फिर हम नहीं बोलेंगे। तो हम मिस f डिफरेंशियबल है इसलिए इसका डी एफ बाई डी एक्स निकल रहा है। तो जैसे भी कहते आप डिफरेंशियबल है, f डिफरेंशियबल है, इसका मतलब f कंटिन्यूअस है। तो ये जो छोटा सा सेट लिखा गया है इसमें सारी चीजें बोल दीजिए कि f कंटिन्यूअस है, फोर टाइम्स डिफरेंशियबल सच दैट, जैसे ऐसा उन सारे फंक्शन को रखा गया ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शन है जिनको चार बार डिफरेंशिएट करें x में तो क्या आ जाए जीरो। तो ये चीज आप जरूर ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं देखना पड़ेगा ना कि जस्ट ये सेट है f फंक्शन है चार बार। उसके जो पीछे लिखी गई चीजें हैं ना, तो हम लोग दिल्ली में थे एक बार यूपीएससी कोचिंग के लिए, तो वहाँ पे बाजराबाई रवि उसमें रविंद्रम सर कहते थे कि स्टडी बिटवीन लाइन एंड लिप्स, जरने की हर बात आप तक पहुंचे बट दो लाइन के बीच में क्या लिखा गया है ये पढ़िए। तो इसमें लाइन गैप है एफ फ्रॉम आर टू आर लिख दिया गया, बाकी कुछ नहीं लिख रहा है, लिख रहा है कि सच दैट डी फॉर एफ बाय एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसके बीच में ये भी कहा जा रहा है कि क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशियबल मींस कंटीन्यूअस फंक्शन है आर से आर। तो इतना आप ध्यान रखेंगे ना। एंड एक्स टू में ले रहा है कि एन ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस थ्री एफ सीक्वेंस है सच दैट एन इज बाउंडेड, इज बाउंडेड। ये सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस की बात करता है। दो चार एग्जाम्पल आप करिएगा एन थ्री क्रॉस थ्री ओवर आर सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज जीरो। ये आप परेशान नहीं होगा इसको देख करके, कराया जाएगा सब। एंड जैसे आपने देखा कि वो आर सी जेड तो देख ही लिया ना, अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखिएगा कि दिस ए बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस एन ओवर आर सच दैट दिस ए इज ए ट्रांसपोज सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक्स फाइव इज दिस हम लोग लिख सकते हैं एक्स फाइव को लिख दिया जाए कि सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू एन ओवर आर। ये जो सिंबल यूज होगा कि सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और एक और आप लिखेंगे एक्स सिक्स एफ सच दैट जीरो टू वन एफ डी एक्स इज जीरो और इसको मिला हमेशा आप जब भी एडिशन की बात की जाए तो आप बस चार चीजों के पास जाइएगा, पहले दो का जाइएगा उसमें आइडेंटिटी है मीन जीरो है और जीरो का नेचर बदलेगा, जैसे आर में है तो जीरो, आर टू में जीरो जीरो, आर थ्री में जीरो जीरो जीरो, टपल में आता चला जाएगा। मैट्रिक्स में है तो जीरो मैट्रिक्स की बात कर ली जाएगी एक्स सिक्स एक्स सेवन एफ सच दैट जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स लिखा गया है ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। एक्स एट एफ जीरो टू वन एफ डी एक्स लेस आर इक्वल टू जीरो। इसके बाद कुछ और सेट आप लिख सकते हैं छोटे छोटे एक्स नाइन एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर टू सच दैट वाई इक्वल टू एक्स एक्स टेन एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर टू सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इलेवन ऐसे ही आर क्यू चल सकते हैं हम एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर थ्री सच दैट एक्स प्लस वाई जीरो
एंड y प्लस z इक्वल टू जीरो। तो इसको प्रैक्टिस के लिए करना है, प्रैक्टिस जरूर करेगा। जब भी आपको लगे ना कि आपको चीजें आ रहे हैं तो विशेष जरूरत होती है कि आप और सतर्क होकर के करें। जब भी आपको लगता है कि तो आपको आ ही रहा है तो आपसे मिसिंग वहीं पे होती है, तो ऐसा ना होने पाए इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि सक्सेसफुल मैन डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। एग्जाम के लिए पढ़ते तो सारे बच्चे हैं, और केवल पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये कन्फर्म है। नहीं पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा गारंटी नहीं कर सकते। आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तो एक कहावत कि थिंक स्मार्टली मीन्स बी स्मार्ट इन एवरी वर्क ऑफ योर लाइफ। बी स्मार्ट इन एवरी वर्क ऑफ योर लाइफ मीन्स वर्क स्मार्टली, टॉक स्मार्टली, थिंक स्मार्टली, स्लीप स्मार्टली। पैर ऊपर करके सर नीचे, टॉक स्मार्टली, ईट स्मार्टली, ड्रिंक स्मार्टली। किसी तक कि आप देखिए ड्रिंक स्मार्टली में पकड़ में आता है, जैसे हम फ्रेंड सर्कल में हों, किसी ने पानी खरीद लिया, स्टूडेंट लाइफ में होता है तो जो पानी खरीदा है बॉटल का ना, वो देख देख के पीता है कितना पी लिए, कितना खा लिए इन जनरल। तो ऐसा नहीं करना आपको ना, पेट तो आप ही का है। तो हमेशा मीन्स यू हैव टू बी स्मार्ट इन एवरी वर्क ऑफ योर लाइफ। आप जैसे हैं जो भी हैं वो तो ब्रह्मा की अनुपम कृति है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है तो उसे तो बेवकूफी कहा जाएगा। लेकिन हाँ, आप जो ईश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट है वो आप, आपको जो आपके शरीर में ये है ईश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट है, इसको संभाल के रखिए जैसे भी है। और ये जाए जितने भी क्वेश्चन दिए गए आप उसको करते रहेगा। हम लोग कल भी मिलते हैं। थैंक यू।